हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस वीडियो में कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। और वो सेंटेंसेस हैं झगड़े वाले, झगड़े वाले डेली यूज सेंटेंसेस। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झगड़े को सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि झगड़े की इंग्लिश होती है क्वेरल, QURRL। क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा। आइए देखते हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। जैसे आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो। ये एक सेंटेंस है जो जब किसी को गुस्सा आता है तब हम उससे ये बात बोलते हैं, आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो। तो हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में why are you losing your temper। ये इसकी इंग्लिश है, ठीक है। Why are you losing your temper, मतलब आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो। नेक्स्ट है तुम बड़े, यहां पर है चिड़चिड़े, चिड़चिड़े स्वभाव के हो, मतलब तुम्हारा जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा है। तो इसको बोलते हैं यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। अगला सेंटेंस है सावधान, सावधान यह दोबारा मुंह से ना निकालना, मतलब जैसे कोई गलत बात है उसके लिए हम बोलते हैं कि सावधान, आगे से ध्यान रखना, यह दोबारा मुंह से ना निकालना, ठीक है। तो सावधान को बोला जाता है बिवेयर, बिवेयर। अब ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जो हम सामने वाले से, मतलब ऑर्डर कर रहे हैं सामने वाले को, यह दोबारा मुंह से ना निकालना। तो ऐसे सेंटेंस को हम डोंट से बनाते हैं, डोंट अटर, यहां पर ये ई है, डोंट अटर इट अगेन, ठीक है, डोंट अटर इट अगेन। अगला सेंटेंस है उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। ये भी एक डेली यूज सेंटेंस है और ये गुस्से वाला सेंटेंस है, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। तो इसको बोलेंगे ही हैज गॉट ऑन माई नर्वस, ही हैज गॉट ऑन माई नर्वस, ठीक है। अगला सेंटेंस है मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। इसको बोलते हैं व्हाट हार्म, यहां पर हार्म की जगह आप रोंग का भी यूज कर सकते हैं, WRONG, व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू। और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज
आवेश में मत आओ, आवेश में मत आओ, इसको बोलते हैं डोंट गेट वर्कड अप, डोंट गेट वर्कड अप। ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने इसको डोंट से बनाया। नेक्स्ट है, क्या आपके होश ठिकाने हैं? ये बोला जाता ना कि क्या आपके होश ठिकाने पर हैं, ठिकाने हैं आपके होश, तो इसको बोलते हैं आर यू इन योर सेंसेस। ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम्हें खुद को सुधारना पड़ेगा, तुम्हें खुद को सुधारना पड़ेगा, इसको बोलेंगे पड़ेगा वाला सेंटेंस है तो विल हैव टू से बनाएंगे, यू विल हैव टू, विल हैव टू, यू विल हैव टू मेंड योर वेज, यू विल हैव टू मेंड योर वेज। अगला सेंटेंस है, जो हो सो हो, जो हो सो हो, इसको बोला जाता है इंग्लिश में कम वाट में, कम वाट में, जो हो सो हो। अगला सेंटेंस है हमारा, मेरी आंखों से, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में गेट आउट ऑफ माई साइट। ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, गेट आउट ऑफ माई साइट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, बहुत छोटा सा सेंटेंस, गेट लॉस्ट, छोटा सा सेंटेंस है, गेट लॉस्ट भी बोल सकते हैं। एक और सेंटेंस है, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, ऐसे भी बोला जाता है, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, तो इसको बोलते हैं नाउ, नाउ का मतलब अब, जैसे बोलते हैं ना अब बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, नाउ पुट एन एंड टू कंट्रोवर्स, कंट्रोवर्स, नाउ पुट एन एंड टू कंट्रोवर्स, ठीक है। एक और सेंटेंस बोला जाता है गुस्से में, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, इसको बोलते हैं गो टू हेल, गो टू हेल। एक और सेंटेंस लिखते हैं यहां पर, झगड़े का फैसला हो गया, झगड़े का फैसला हो गया, उसको बोलते हैं द क्वेरल, द क्वेरल इज सेटल्ड, द क्वेरल इज सेटल्ड, अब
किसी तरह बात को निपटाओ। अब किसी तरह बात को निपटाओ, इसको कैसे बोलेंगे देखिए। अब किसी तरह बात को निपटाओ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नाउ सेटल द मैटर समहाउ। समहाउ का यहां पर मतलब है किसी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद मंसूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।